हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अक्षय शर्मा और मैं सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल न्यू टेक बाय सिक में। तो दोस्तों, ये मेरा जो रियलमी फ़ोन है उसमें एक नया अपडेट आया है जो कि बिल्कुल रियलमी U1 की तरह है। जैसा कि रियलमी U1 में जैसे फंक्शन है, जैसा भी उसमें कैमरा या कैमरा नहीं मैं कहूँगा, जैसे भी उसमें अपडेट दिए गए हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। जिनके पास रियलमी U1 होगा वो देख पाएंगे कि सिमिलर ही जैसे कि इसमें है वैसे ही सिमिलर ही फंक्शन है। एक प्रकार से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर दिखा रहा हूँ तो आप कहेंगे शायद मैं रियलमी U1 ही का स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अपने सेटिंग में ले चलता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये रियलमी U1 नहीं बल्कि ये जो है केवल रियलमी है। यहाँ पे देखिए डिसेबल बाई रियलमी, तो ये केवल रियलमी है फ़ोन। तो इसमें मैं अपडेट दिखा देता हूँ, अपडेट अभी हाल ही में ही आया है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये जो अगर किसी को सॉफ्टवेयर अपडेट करना है अपना और इस तरीके के वर्जन में लाना है तो पहली बात तो उसको नेट ऑन कर लेनी है। और नेट के साथ मैं बता दूं, नेट ऑन करने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर है ये समथिंग 2.11 GB का था, मतलब कम से कम आपकी 2 दिन की MB पूरी की पूरी इसको अपडेट करने में लग जाएगी। उसके बाद ये कलर OS 5.2 वर्जन में अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद इसके फंक्शन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये सब जो मैसेज आते हैं इसको आप ऐसे करते हैं तो हट जाता है, बट रियलमी 1 में था कि आपको अगर कोई भी अगर आप मतलब कोई भी मैसेज अगर आता है, फिलहाल के लिए अभी कोई मैसेज आ जाएगा तब तक के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि उसको जैसे कि आपको डिलीट करना पड़ता था वो, या फिर जाता नहीं था, या फिर नीचे से आपको कट करना पड़ता था, तो इसमें वो सब नहीं करना है। साथ ही साथ में इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, ये गेम में मतलब जो भी गेम के हैं उसके लिए इनमें कुछ खास फंक्शन दिए गए हैं। और साथ में ये नहीं दोस्तों, ये स्मार्ट स्कैनिंग। तो इसमें क्या है, आपको जैसे कि आपको किसी का ट्रांसलेट करना है हिंदी या इंग्लिश, तो आपको सिंपली बस उसके जो भी वर्ड है आपको उसके पास रख देना है। अभी मैं एग्जांपल पे कोई अभी ले नहीं सकता, पर मैं बता रहा हूँ इस तरह काम करता है यहाँ पे। फिर आप इसको मतलब अगर आपको हिंदी में इंग्लिश चाहिए और इंग्लिश की, तो यहाँ से आप टर्न कर सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज होगी, तो मतलब जैसे किसी भी बुक पे अगर आपको नाम नहीं समझ में आ रहा तो वो स्कैन करिए और यहाँ पे लिख के आ जाएगा। कुछ ये स्मार्ट तरीके हैं इसमें। और इसमें जो नया अपडेट है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे ये कुछ जो है रियलमी 1 में थोड़ा अलग तरीके का ये था, पर इसमें थोड़े मतलब जैसे जो भी ये सब हैं ये थोड़े अलग कर्व्ड और बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि किनारे किनारे कर्व्ड है तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इसमें। और इसमें कुछ ज़्यादा वेरिफिकेशन है बकायदे रियलमी, क्योंकि रियलमी जब पहला फ़ोन आया था तो उन्होंने बहुत ही जल्दीबाजी में उसे लॉन्च किया था, तो इतना ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट नहीं की थी उसमें, बट इसमें उन्होंने कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट किया है। और साथ ही जो ऐप है, उन्होंने जो ऐप्स के जो भी मतलब ऐप है उनमें 6 डिग्री का पेन हो गया है। वो भी मैं बता दूँ कि जो भी अगर रियलमी से अपडेट करे तो आप अपना पासवर्ड याद रखें, क्योंकि ये जो पासवर्ड है ये अपडेट हो जाता है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे 5852 डाल के मतलब जो भी पासवर्ड है वो 6 डिजिट का आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसमें केवल 4 ही डिजिट का पासवर्ड लगता था। तो अब मैं चले जाता हूँ अपने यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ कि आपको अपडेट कैसे करना है। तो पहली बात तो अगर अपडेट आया होता है तो यहीं ऊपर दिखाता है जहाँ पे ये साइन इन योर फोन ID ऐसे दिखाता है, तो यहाँ पे दिखाता है। बट अगर आपको अदर अपडेट करना है तो यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करने के बाद ऐसे तो यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, बट जब आपको अपडेट करना होगा तो यहाँ पे लिख जाएगा कि डाउनलोड करना है या जो भी। फिर यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हो, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली मतलब जब पर भी आप नेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा, मतलब कोई भी अगर नया वो आता है वो सब यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे तो अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, जिसके वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इसके फंक्शन, अभी तो कोई मैसेज जैसे कि ये मैसेज आया है एक, तो मैं बता दूँ इसको जैसे था पहले था कि मुझे ऐसे करने का डिलीट करना पड़ता था, पहले ये ऑप्शन नहीं था कि यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दूँ तो गायब हो जाए, पहले ये ऑप्शन नहीं था। बट अब ये भी ऑप्शन है कि आप इधर कर देंगे तो ये हट जाएगा, पहले क्या करना पड़ता था इसको कट करना पड़ता था, पर अब ऐसा नहीं है, अब आप डायरेक्ट मतलब उस तरीके से कर सकते हैं। और कोई खास फंक्शन है तो नहीं है।